Hey everyone, welcome to Bilicates. NEET 2022 एडमिट कार्ड से रिलेटेड डिटेल्ड वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर दिए बच्चों। अगर एडमिट कार्ड में मेंशन किसी भी चीज को लेकर आपको कुछ भी डाउट हो रहा है तो प्लीज मेरी वो वीडियो जरूर देखिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आप लोगों को उस वीडियो का लिंक प्रोवाइड करा रही हूँ। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि नीट 2022 का एग्जाम देने जब आप 17 जुलाई को एग्जाम सेंटर पर जाएंगे क्या आपका ड्रेस कोड होना चाहिए, दूसरा क्या आइटम्स अलाउड है और कौन से ऐसे आइटम्स हैं जो कि आप एग्जाम सेंटर में कैरी नहीं कर सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट विद अलाउड आइटम्स इन योर एग्जामिनेशन सेंटर फॉर नीट 2022। बच्चों इन अलाउड आइटम्स में 7 आइटम्स हैं, आप चेक जरूर करिएगा एग्जामिनेशन सेंटर के लिए जब घर से निकलेंगे कि आपके पास ये आइटम्स मौजूद हैं या फिर नहीं। सबसे पहले तो मेरे बच्चे, आपने जब एडमिट कार्ड डाउनलोड करा होगा आपका एडमिट कार्ड 4 पेजेस का डाउनलोड हुआ होगा, जिसमें फर्स्ट वाले पेज में आपका पर्सनल डिटेल्स प्लस अंडरटेकिंग सेल्फ डिक्लेरेशन वाला फॉर्म है। सेकेंड पेज आपका प्रोफॉर्मा है जहां पर पोस्ट कार्ड साइज फोटो पेस्ट करने वाला सेक्शन दिया हुआ है। थर्ड और फोर्थ पेज में आपके इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। देखो थर्ड और फोर्थ पेज फिर भी आप अवॉइड कर सकते हो ले जाना, लेकिन प्लीज डू कैरी फर्स्ट 2 पेजेस ऑफ योर एडमिट कार्ड, कंपलसरी है, मैंडेटरी है, इसके बिना तुम्हें एग्जामिनेशन सेंटर पर एंट्री नहीं मिलेगी, ठीक है जी। अच्छा बच्चों का डाउट, मैं साथ साथ डाउट भी मेंशन करती रहूंगी कि हर एक पॉइंट को लेकर क्या क्या बच्चे मुझे डाउट्स पूछ रहे हैं। सबसे पहला डाउट, डी एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट कलर निकाले या फिर ब्लैक एंड व्हाइट। देखो मेरा ये मानना है आपकी एडमिट कार्ड पे जो फोटो प्रिंट होकर आई है ना वो क्लियरली विजिबल होनी चाहिए। अगर ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट आउट निकालने के बावजूद भी वो विजिबल हो रही है क्लियरली तो आप ब्लैक एंड व्हाइट भी प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। हालांकि मैंने जब एडमिट कार्ड डिटेल्ड वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करी थी तो उस वीडियो में ना 2-3 बच्चों ने कॉमेंट सेक्शन में मेंशन करा हुआ है कि डी आई एम अ ड्रॉपर स्टूडेंट और लास्ट ईयर मेरे एग्जामिनेशन सेंटर पे ब्लैक एंड व्हाइट एडमिट कार्ड में एंट्री नहीं मिली गई, उन्होंने हम लोगों को कहा कि कलर प्रिंट आउट निकालो तभी एंट्री मिलेगी। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी क्योंकि अभी भी आप लोगों के पास टाइम है, हो सके बच्चे तो प्लीज कलर प्रिंट आउट निकाल दीजिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंचकर कुछ भी ऐसा हो जिसकी वजह से तुम पैनिक कर जाओ, ठीक। तो एडमिट कार्ड मेरे हिसाब से प्रेफर करिए कि आप लोग कलर्ड ही प्रिंट आउट निकाले, दोनों पेजेस निकालना, पर्सनल डिटेल वाला भी और पोस्ट कार्ड साइज फोटो पेस्ट करने वाला भी, सबसे पहली चीज तो ये। दूसरा आता है वैलिड फोटो आईडी प्रूफ। ध्यान रखना आईडी प्रूफ की फोटोकॉपी, कलर्ड फोटोकॉपी या ब्लैक एंड व्हाइट फोटोकॉपी या फिर स्कैन्ड इमेज नहीं लेके जानी है, जो ओरिजिनल फोटो आईडी प्रूफ है वो लेके जाना है। इसमें आप अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, 12th का एडमिट कार्ड या फिर 12th का रजिस्ट्रेशन कार्ड, पासपोर्ट, राशन कार्ड, आधार एनरोलमेंट नंबर विद फोटोग्राफ या फिर ई आधार, इनमें से कोई भी वैलिड फोटो आईडी प्रूफ यूज कर सकते हैं। काफी बच्चे कहते हैं कि दी जो मेरा आईडी प्रूफ है ना उसमें जो फोटो लगी हुई है वो आज की जो मेरी फोटो है जैसा मैं दिखता हूँ उससे डिफरेंट है, या फिर मेरी जो डेट ऑफ बर्थ मैंने एडमिट कार्ड में मेंशन करी हुई है वो डेट ऑफ बर्थ डिफरेंट है फ्रॉम द डेट ऑफ बर्थ मेंशन इन योर आधार कार्ड या फिर कोई भी आईडी प्रूफ। बच्चे अगर आपको लग रहा है कि आपकी आइडेंटिटी प्रूफ में कुछ भी ऐसी चीज है जो कि आपके एडमिट कार्ड में मेंशन डिटेल से मैच नहीं करता है तो सेफ साइड के लिए ये कर सकते हो कि अपने उस आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी आईडी प्रूफ आप सोच रहे हो ले जाने की, उसके साथ साथ अपने क्लास 12th का एडमिट कार्ड या फिर रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म भी लेकर चले जाइएगा, है ना। लेकिन मेक श्योर कि आधार कार्ड, पैन कार्ड जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आईडी प्रूफ्स कंसीडर करे जाते हैं वो तो जरूर लेकर जाइएगा, और ओरिजिनल कॉपी लेकर जाइएगा, फोटो कॉपी बिल्कुल मत ले जाइएगा। तीसरी चीज, एडिशनल पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी आपको लेके जानी है। ये फोटो आपके कब काम आएगी, जब आप एग्जामिनेशन सेंटर में अपने क्लासरूम में बैठ जाएंगे ना, अटेंडेंस शीट मिलेगी जहां पर आप लोगों को साइन करना होगा और अपनी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चिपकानी होगी। तो एनटीए की इन्फॉर्मेशन बुलेटिन और आपके एडमिट कार्ड में मेंशन किया हुआ है कि एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जरूर लेकर जाए जो कि आपको अटेंडेंस शीट में पेस्ट करनी है। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगी कि कम से कम 3 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेकर चले जाए, कहीं एक हो गई तो तुम फिर से पैनिक कर जाओगे। तो कम से कम 3 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेकर जाइएगा, और ये पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ वही होनी चाहिए जो कि तुम्हारे एडमिट कार्ड में प्रिंट होकर आई है। किसी बच्चे को लग रहा है कि एडमिट कार्ड में दी जो फोटो प्रिंट होकर आई है वो वाली फोटो अब मेरे पास है नहीं, मैं क्या करूं, मैंने पिछले वीडियो में बोला था उस फोटो में जो कपड़े पहने हुए हैं सेम कपड़े पहनकर वापस से फोटो क्लिक करवाओ और इसका ओरिजिनल फोटो प्रिंट निकलवाओ। अगर ये कपड़े भी मौजूद नहीं है जो कि उस एडमिट कार्ड में आई फोटो में तुमने पहने हुए थे, नई फोटो ही खिंचवा दो, लेकिन मेक श्योर कि जो ये फोटो है इसमें आपकी नेम और साल 2022 का अप्रैल मंथ से पहले के किसी भी मंथ की कोई डेट लिखी हुई है कि इस दिन मैंने फोटो क्लिक करवाई थी। तो 3 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ विद योर नेम एंड डेट मेंशन्ड प्लीज जरूर लेकर जाइएगा। ये पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ कलर्ड होने चाहिए, हाँ मेरे बच्चे। चौथा आता है आपका ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल आप लेकर जाएंगे। पांचवा 50 ml की छोटी सी सैनिटाइजर की बॉटल आप लोग लेके जाएंगे। अगर आप लोग पर्सन विद फिजिकल डिसेबिलिटी से सफर कर रहे हैं तो आपका जो PWD सर्टिफिकेट होता है वो आप लेकर जाएंगे। अगर
अगर आप लोग पार्शियली ब्लाइंड या फिर कम्प्लीटली ब्लाइंड स्टूडेंट है और आपके बिहाफ में कोई और पेपर अटेम्प्ट करने वाला है, तो बच्चे पिछले साल तक ऐसा होता था कि हम उस इंसान को जो कि हमारे बिहाफ में पेपर देगा, जिसे कि हम स्क्राइब कहते हैं, हम खुद से वो इंसान लेकर आते थे कि ये इंसान मेरे बिहाफ में पेपर देगा। लेकिन इस साल से ऐसा हो गया है कि इफ यू बिलोंग टू पीडब्ल्यूडी कैटेगरी और आप बिल्कुल भी पेपर अटेम्प्ट खुद से नहीं कर सकते हैं, तो आपके एग्जामिनेशन सेंटर पर खुद ही आपको स्क्राइब प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो बस आप अपना पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट लेकर चले जाइएगा। और अगर आप सच में पेपर अटेम्प्ट करने में बिल्कुल भी सक्षम नहीं है, आपके बिहाफ में कोई स्क्राइब आपका पेपर अटेम्प्ट करने वाला है, तो आपको 1 आवर एक्स्ट्रा टाइम भी दिया जाएगा पेपर अटेम्प्ट करने के लिए। और बच्चों के लिए पेपर 5:20 पे खत्म हो जाएगा, लेकिन आप लोगों को 1 घंटे तक का एक्स्ट्रा टाइम भी दिया जाएगा। ये सिर्फ पीडब्ल्यूडी कैटेगरी वाले बच्चों के लिए है जिनके लिए स्क्राइब पेपर लिख रहा होगा, ठीक है। लास्ट आता है बच्चे, मास्क पहनकर जरूर जाइएगा, चाहे वो आपका डिस्पोजेबल मास्क है या फिर N95 मास्क है, मास्क लगाकर जरूर जाना है। फटाफट से सुन लो, एडमिट कार्ड 4 to 2 pages बहुत इंपॉर्टेंट, वैलिड फोटो आईडी प्रूफ ओरिजिनल लेकर जाना है, एडिशनल पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, कलर्ड फोटोग्राफ कम से कम 3 लेकर जाइएगा, ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल, हैंड सैनिटाइजर जो कि 50 ml होना चाहिए, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट इफ यू बिलोंग टू पीडब्ल्यूडी कैटेगरी, और मास्क पहनकर आप लोग जाएंगे। इसके अलावा कुछ और चीज ले जाने की सोच रहे हो, वो आपके प्रोहिबिटेड आइटम्स में आ जाएगा, जैसे कि आपकी पेन, पेंसिल, लॉक टेबल, मोबाइल फोन, वॉच, ऑर्नामेंट्स, हैंडबैग, कुछ भी चीज अलाउड नहीं है। अब काफी बच्चे ऐसे होंगे जिनको छोड़ने के लिए उस दिन मम्मी पापा या फिर कोई रिलेटिव नहीं आएंगे, वो खुद से आएंगे, या तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आएंगे या फिर अपनी एक्टिवा, बाइक, स्कूटी, इन सब से आएंगे। तो दी हम लोग क्या करें, हमारी गाड़ी की चाबी कहाँ रहेगी? बच्चे आप लोग एक छोटा बैग ले जा सकते हो, आपका स्कूल का जो बैकपैक होता है वो लेके जा सकते हो, लेकिन वो बैकपैक आपको एग्जामिनेशन रूम में बाहर रखना होगा। जैसे कि आपके स्कूल में होता था ना, यूनिट टेस्ट, हाफ ईयरली एग्जाम, क्लास टेस्ट जब होते थे तो क्लास के बाहर बैग रखे जाते थे, इस बार भी वैसा हो सकता है कि जहां पर आपका सेंटर होगा या फिर ग्राउंड में या फिर जहां का पेपर हो रहा होगा, उस क्लास के बाहर आपको बैग रखना होगा। तो उस बैग में कोशिश करना कि सिर्फ ऐसी चीजें लेकर जाओ जिसमें तुम्हें ये हो कि चलो यार ये खो भी जाए तो मेरा इतना ज्यादा नुकसान ना हो। अगर चाबी लेकर जा रहे हो तो अंदर वाले पॉकेट में चाबी रख देना, एक्स्ट्रा पैसे ले जाने की सोच भी रहे हो, कोई बच्चा अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आएगा तो बच्चे इतने ही पैसे लेके जाना जितना तुम्हारा आने जाने का किराया होगा। और पेपर छूटने के बाद अगर तुम्हें है कि थोड़ा रिफ्रेशमेंट लेना है क्योंकि भूख लगी हुई होगी ऑब्वियसली, तो कोई जूस की बॉटल अगर लेनी है, कुछ सैंडविच खाना है, कुछ भी खाना है कि भाई एनर्जी बनी रहे, प्लीज इतने पैसे लेकर जाना जिसमें तुम्हें है कि यार ठीक है अगर ये पैसे गुम भी जाते हैं एट माय ओन रिस्क मैं लेकर जा रहा हूं, ठीक है। वैसे तो कुछ भी चीज अलाउड नहीं है क्योंकि एग्जामिनेशन सेंटर पे जो भी अथॉरिटी होगी वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी कि आपकी कोई चीज खोई है या फिर नहीं। मोबाइल फोन प्लीज मत लेकर जाइएगा, एक पेपर में जो भी आपके इंपॉर्टेंट फोन नंबर है, मम्मी पापा का नंबर, किसी क्लोज फ्रेंड का नंबर जो कि आपको सेंटर पे लेके आ सकता है, वो नंबर पेज पे लेके चले जाना कि भाई एग्जामिनेशन सेंटर के बाद किसी ना किसी के पेरेंट तो आए होंगे, किसी से मांग के कि अंकल आंटी मुझे घर पे फोन करना है तब फोन कर दूंगा, खुद का फोन लेकर मत जाना। अब कुछ ऐसे केसेस जो कि एक्सेप्शनल केसेस में इंक्लूड होते हैं और जो कि अलाउड है आपके एग्जामिनेशन सेंटर पे। पहला, बच्चे मेडिसिन, अगर आपको लग रहा है आप ठीक फील नहीं कर रहे हो, फीवर हो रखा है या फिर किसी भी चीज की वजह से सफर कर रहे हो और वो 2 बजे से लेकर 5:30 बजे के बीच आपका दवाई का टाइम होता है, आप बिल्कुल दवाई लेकर चले जाइए। अगर आप लोगों को, फीमेल कैंडिडेट को, अगर उस दौरान पीरियड्स हो रहे होंगे, हैवी फ्लो है, आपको लगता है कि भाई मुझे उस टाइम पर सैनिटरी नैपकिन पैड चेंज करना है, तो बिल्कुल आप पैड लेकर जाएंगे। अगर आप एस्मा पेशेंट हो, आपको कुछ भी ऐसी दिक्कत है बच्चे कि उस इक्विपमेंट के बिना आप रह नहीं सकते, आप जरूर लेकर जाएंगे। एस्मा पेशेंट हो आप लोग, इनहेलर जरूर लेकर जाएंगे। तो कोई भी ऐसी चीज जिनको अगर आप नहीं लेके गए तो आपकी तबीयत बिगड़ सकती है, प्लीज उन चीजों को लेकर जाइएगा, क्योंकि अगर ये चीजें नहीं होगी तो आप ढंग से पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। तो ये है आपकी लिस्ट ऑफ ऑल द प्रोहिबिटेड आइटम्स एंड द आइटम्स अलाउड इन योर नीट 2022 एग्जामिनेशन सेंटर। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चों। अब मैं बात करती हूँ ड्रेस कोड की। जिससे पहले मैं मेल एंड फीमेल ड्रेस कोड को अलग अलग एक्सप्लेन करूं, कुछ ऐसी चीजें जो कि अलाउड बिल्कुल है, चाहे लड़का है चाहे लड़की है, अलाउड है। ब्रेसेस, अगर आप लोगों के ब्रेसेस लगे हुए हैं तो ऐसा नहीं है कि एग्जाम देते हुए तुम्हें ब्रेसेस हटाने पड़ेंगे, इवन इफ उन ब्रेसेस में कुछ मेटालिक आइटम यूज हुआ है, अलाउड है। दूसरी चीज, अगर आपके हाथ में प्लास्टर लगा हुआ है, आप राइट हैंड से पेपर अटेम्प्ट करने वाले होंगे, अगर आपके लेफ्ट हैंड में या फिर पैर में प्लास्टर लगा हुआ है, बिल्कुल अलाउड है भाई, तुम प्लास्टर के साथ भी पेपर देने जा सकते हो। तीसरा, हाथ में परमानेंट टैटू बना हुआ है, क्या कर सकते हैं, अब लास्ट मोमेंट पे हटेगा तो नहीं ना, वो अलाउड है। नेक्स्ट आता है कस्टमरी ड्रेस। बच्चे अगर आप लोग जैसे सिख कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, पगड़ी पहनता है अगर कोई बच्चा, आप कृपाण रखता है अपने पास, कोई मुस्लिम कम्युनिटी का बच्चा है, अगर वो हिजाब पहनती है, बुर्का पहनती है, अलाउड है बच्चे। बस ऐसा है कि आप लोग कम से कम 12 बजे तक एग्जामिनेशन सेंटर पे चले जाना ताकि प्रॉपर फ्रिस्किंग प्रोसेस आप लोगों की हो सके, ठीक है। इसके अलावा बच्चे, अगर आप लोग स्पेक्स पहनते हो, मैं उन स्पेक्स की बात कर रही हूं जो पावर वाले स्पेक्स हैं, जिनको लगाए बिना तुम पेपर में नहीं देख सकते या फिर तुम्हें चलने में दिक्कत होगी, पावर वाले स्पेक्स अगर आप लोग यूज करते
सकते हो तो अलाउड है। आपने लेंस लगाए हुए और वो लेंस ऐसे हैं पार वाले हैं, इसके बिना मेरा काम नहीं चलेगा, तो अलाउड है। लेकिन ऐसे नहीं सनग्लासेस पहन के चले जा रहे हो, हम फैशन शो में नहीं जा रहे हैं, जितना हो सके हमें सिंपल बन के जाना है। अब मैं बात करती हूँ कि लड़कियों का और लड़कों का उस टाइम पे ड्रेस कोड क्या होना चाहिए, स्टार्टिंग विद फीमेल कैंडिडेट। यहाँ सर से शुरू करते हैं, सबसे पहले बाल गर्मियों में करते हैं जो बुरा हाल, मान सकती हूँ जिनके लंबे बाल हैं जैसे मेरे लंबे बाल हैं, तो हम लोग भाई ऐसे ओपन हेयर के साथ पेपर नहीं दे सकते, बहुत इरिटेशन होती है। लेकिन बच्चे मैं ये भी कहूंगी कि आप लोग रिस्क नहीं ले सकते कि उस टाइम पर आप क्लिप यूज कर रहे हो बहुत सारे या फिर खूब सारे रबर बैंड लगा के जा रहे हो कि भाई कुछ भी इरिटेशन नहीं होनी चाहिए, बाल एकदम चिपक कर रहे सर से, पता नहीं अलाउ करें या फिर नहीं करें। आप लोग क्या करना, अगर आपके लंबे बाल हैं तो घर से रबर बैंड लगाते हुए एक पोनीटेल बनाकर जाना। हो सकता है एग्जामिनेशन सेंटर पे आपको बोल दिया जाए कि भाई आपको रबर बैंड हटाना होगा, ओपन हेयर के साथ आप लोगों को पेपर देने होंगे, वहां पर अगर मना करेंगे तो प्लीज रबर बैंड हटा दीजिएगा, लेकिन घर से आप लोग रबर बैंड लगा के जा सकते हो। प्लीज क्लिप्स लगाना अवॉइड करना क्योंकि वो तो निकलवा ही जाएंगी। अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसके फ्लिक्स हैं भाई कि दी ये फ्लिक्स नहीं हटेंगे तो फिर एग्जाम में ढंग से दिखेगा नहीं, इरिटेशन होगी, घर से क्लिप लगा के चले जाओ, वहां पर हटने की चांसेस हैं। लेकिन हाँ, लॉन्ग हेयर वाले बच्चे रबर बैंड लगा के जा सकते हैं। अब मैं बात करती हूँ आपके अपर वेयर की। देखो बच्चे, जैसे मैंने टी शर्ट पहनी हुई है ना, बहुत सिंपल सी टी शर्ट जिसमें बहुत कम पॉकेट है, एक ही पॉकेट है, अगर ऐसा एक साइड पॉकेट है चलेगा, इतना अलाउड है। जितना हो सके सिंपल कपड़े पहनना जिसमें बहुत कम प्रिंट हो, लिखावा बहुत कम हो। और ये टी शर्ट जैसे हाफ स्लीव्स की है, मुझे ऐसा लगता है हर बच्चे के पास एक ना एक हाफ स्लीव्स की टी शर्ट तो जरूर होगी, नई पुरानी जैसी भी है, जितनी सिंपल है उतना अच्छा है। टी शर्ट पहनिए, कोशिश करो कि लाइट कलर के कपड़े हो, उसमें बहुत ज्यादा प्रिंट्स बिल्कुल भी ना हो। कोशिश करो कि जो भी कपड़े आप लोग पहन रहे हो उसमें बहुत ज्यादा ब्रांड के लोगो ना बने हुए हो, बहुत ज्यादा प्रिंट्स ना हो, जिसकी वजह से आप लोगों को फिर चेकिंग प्रोसेस के लिए बुलाया जाए। ऐसी सिंपल सीधी साधी टी शर्ट पहन रहे हो सबसे अच्छा है। तो हाफ स्लीव्स या फिर कट स्लीव्स की टी शर्ट या फिर टॉप आप लोग पहन सकते हो, फ्लोरल प्रिंट्स है इतना चल जाएगा बच्चे, बट बहुत ज्यादा प्रिंट बिल्कुल अवॉइड करना। बॉटम वेयर की बात करो तो बॉटम वेयर में जीन्स बिल्कुल नहीं पहनेंगे, वो जिम वेयर वाले जो टाइट ट्राउजर्स होते हैं बिल्कुल नहीं पहनेंगे, जितना हो सके लूज ट्राउजर पहनना। अरे नाइट ड्रेस में जैसे लूज कैपरी पहन के घूमते हो ना, वही पहन के चले जाना। देखो हम ऐसी जगह नहीं जा रहे हैं जहां पर हमारे ड्रेसिंग की वजह से हमें नंबर दिए जाएंगे, हम ऐसी जगह पेपर देने जा रहे हैं जहां पर जो क्वेश्चन हम सही अटेम्प्ट करके आएंगे उसके बेसिस पर हमारा रिजल्ट बनेगा। तो अपर वेयर में हाफ स्लीव्स या फिर कट स्लीव्स अपर वेयर अलाउड है। मेक श्योर कि बहुत ज्यादा लिखा हुआ आप लोग अवॉइड कर रहे हैं, फ्लोरल प्रिंट्स भी अगर हैं तो बहुत ज्यादा नहीं है। बॉटम वेयर में जीन्स बिल्कुल भी नहीं पहन रहे हैं और बेल्ट बिल्कुल भी मत लगाना। टाइट जिम वाले ट्राउजर्स बिल्कुल नहीं पहन रहे हैं, जेगिंग्स बिल्कुल नहीं पहन रहे हैं, लूज ट्राउजर्स लूज कैपरीज आप लोग पहन रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं दी फ्रॉक पहन ले, जंप सूट पहन ले या फिर पटियाला पहन ले। बच्चे कुछ भी ऐसी चीज मत पहनना जिसमें ज्यादा घेरे हो, फ्लेयर हो, ये चीजें अवॉइड करना। फ्रिल वाले कपड़े, फ्लेयर वाले कपड़े, घेरे वाले कपड़े, ये चीजें प्लीज अवॉइड करना। देखो इसमें कुछ लड़कियां ऐसी भी रहती है जिनके घर में जीन्स टॉप पहना या फिर ट्राउजर टी शर्ट पहनना अलाउड नहीं है, उनको सिर्फ सूट पहनना ही अलाउड है। उस केस में उनका डाउट रहता है कि क्या भी हमारे यहाँ तो दुपट्टे के बिना अलाउ नहीं करते हैं, घर से बाहर निकलना तो अलाउड होगा, आप सलवार सूट पहन कर जाइए। लेकिन जो सलवार है वो घेरेदार सलवार ना हो, सिंपल सलवार हो, कुर्ती हो, उस कुर्ती में भी आपकी हाफ स्लीव्स की कुर्ती हो, क्योंकि 3/4 1/4 अलाउड बिल्कुल नहीं होगी। हाँ लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके घर में ऐसा है कि भाई दी फुल स्लीव्स कुर्ती ही अलाउड है, दुपट्टे के बिना घर से बाहर जाने नहीं देंगे, तो आप लोग फिर अगर सलवार सूट पहनकर आ रहे हो सलवार सिंपल रखना, दुपट्टा डाल लेना, लेकिन 12:30 के बीच सेंटर पहुंच जाना ताकि प्रॉपर चेकिंग प्रोसेस आप लोगों की हो सके। आई होप अब इसके रिगार्डिंग कोई डाउट नहीं रहेगा। हाथ में चूड़ी ब्रेसलेट मत पहनिएगा, कान में नाक में कोई भी ऑर्नामेंट नहीं होना चाहिए, नोज पिन भी नहीं, इयररिंग भी नहीं, जो पूजा का धागा होता है ये वाला, ये भी बिल्कुल भी अलाउड नहीं है बच्चे। ठीक, अब मैं आती हूँ लड़कों की ड्रेसिंग के बारे में। आप लोगों के लिए भी अपर वेयर में सेम है बच्चे, जितना हो सके सिंपल प्लेन टी शर्ट पहने जिसमें ज्यादा प्रिंट ना बने हुए हो, एक सिंगल पॉकेट बना हुआ है इतना चलेगा। हाफ स्लीव्स या फिर कट स्लीव्स की आप लोग टी शर्ट पहन सकते हो। मेक श्योर कि वो टी शर्ट ऐसी नहीं हो जिसमें कॉलर है, कॉलर्ड टी शर्ट इज नॉट अलाउड। वी नेक या फिर राउंड नेक, ये राउंड नेक की टी शर्ट है, ऐसी टी शर्ट आप लोग पहन सकते हो। ठीक है जी, फुल स्लीव्स 3/4 1/4 कुछ भी टी शर्ट शर्ट कुछ भी मत पहनिएगा। बॉटम वेयर में जीन्स नॉट अलाउड, पैंट भी पहन रहे हो तो उसमें बेल्ट नॉट अलाउड, टोपी बिल्कुल भी मत पहनिएगा, कैप इज नॉट अलाउड, चाहे मैं फीमेल कैंडिडेट की क्यों ना बात करूं। सनग्लासेस नॉट अलाउड, घर से सनग्लासेस पहन के आ रहे हो कार में छोड़ दो, मम्मी पापा जो भी तुम्हें एग्जामिनेशन सेंटर पे छोड़ने आ रहे हैं उनको पकड़ा दो, लेकिन अंदर अलाउड नहीं होंगे। सिर्फ पावर वाले लेंसेस, अगर आपकी आईसाइट वीक है सिर्फ पावर वाले चश्मे ही अलाउड होंगे। तो लड़कों के लिए सिंपल टी शर्ट पहनेंगे, शर्ट मत पहनना क्योंकि कॉलर शर्ट या फिर कॉलर टी शर्ट अलाउड नहीं। बॉटम वेयर में जीन्स नो, अगर आप लोग कैपरी पहन रहे हो लूज कैपरी पहनना, कुछ भी टाइट फिटेड क्लोथ्स बिल्कुल भी मत पहनना। हाथ में वॉच बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, चाहे सिंपल वॉच भी क्यों ना हो अलाउड नहीं है। फुटवेयर की बात करूं, लड़कियों के फुटवेयर, हाई हील्स वाली सैंडल्स बिल्कुल मत पहनना, घर के चप्पल पहन के चले जाओ, सिंपल फ्लैट सैंडल पहन के चले जाओ, अलाउड है। लड़कों की बात करूं, शूज
बिल्कुल भी मत पहनना, चाहे कैसे भी टाइप के शूज क्यों ना है, पॉइंटेड है जैसे भी है अलाउड नहीं है। आप फ्लिप फ्लॉप्स पहन के चले जाओ, सिंपल घर के हवाई चप्पल जो होते हैं ना वही पहन के चले जाओ बच्चे। मैं दोबारा बता रही हूँ, वहां पर आपके कपड़े के बेसिस पर आपको कोई जज नहीं करेगा, आप पेपर देने जा रहे हो, ठीक है जी। जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल बनकर जाइएगा, कोई भी ऑर्नामेंट प्लीज कैरी मत करिएगा अंटिल और अनलेस आपके रिलीजन में वो ऑर्नामेंट उतारना अलाउड नहीं है, या फिर आपका घर में ऐसा माहौल है कि आपको बिना उस कपड़े के घर से बाहर जाने नहीं दिया जाता है, तो आप प्रॉपर चेकिंग प्रोसेस के लिए जाएंगे 12:30-12 बजे के करीब। अदरवाइज जितना हो सके सिंपल कपड़े पहनकर जाना, सनग्लासेस, ऑर्नामेंट्स हर चीज अवॉइड करना। रबर बैंड लड़कियां डाल के जा सकती हैं, हो सकता है एग्जामिनेशन सेंटर में उन्हें रबर बैंड उतारने के लिए कहा जाए, वहां पर उतार दीजिएगा, लेकिन घर से पहनकर जा सकते हैं। अच्छा, इनरवेयर के रिगार्डिंग बच्चों को डाउट रहता है, स्पेशली लड़कियों को, कि क्योंकि मेटेलिक आइटम अलाउड नहीं है, तो दी जो ब्रा होती है उसके हुक मेटेलिक होते हैं, तो क्या फिर अलाउड होगा? देखो, मैं सजेस्ट करूंगी कि स्पोर्ट्स ब्रा पहन के चले जाओ, ताकि उस वाली प्रोसेस में भी तुम फंसो ना। हालांकि अगर आप हुक ब्रा भी पहन के जा रहे हो कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन आपको लगता है कि स्पोर्ट्स ब्रा आपके पास है, बेटर रहेगा स्पोर्ट्स ब्रा पहन के आप चले जाओ। काफी बच्चे मुझे ये भी कह रहे थे, दी अब शॉपिंग करनी पड़ेगी, इस नीट के ड्रेस कोड की वजह से हमें नए कपड़े खरीदने पड़ेंगे। कोई नए कपड़े नहीं खरीदने, आप भी अच्छे से जानते हैं कि हर घर में हर बच्चे के पास एक सिंपल सी सीधी सादी टी शर्ट और एक ढीला ढाला पैजामा जरूर मौजूद होगा, और चप्पल तो हर कोई पहनता ही होगा। तो जितना हो सके सिंपल बन के जाना। लिस्ट ऑफ प्रोहिबिटेड एंड अलाउड आइटम्स ये हैं आपके सामने। इसके अलावा कुछ भी डाउट लग रहा है मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन। बच्चों, जो चीज मैंने मेंशन कर दी है उसी चीज को लेकर डाउट मत पूछिएगा। ये सारी चीजें अलाउड है, ये अलाउड नहीं है, ये एक्सेप्शनल वाले केसेस ये भी अलाउड है, ये मेडिकल रिलेटेड इश्यूज या फिर कस्टमरी ड्रेसेस ये भी अलाउड है। जो चीजें मैंने बोल दी हैं उसके अलावा कुछ भी डाउट है प्लीज मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक इट मेक श्योर यू द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर द अपकमिंग वीडियोज। थैंक यू।